राखी सावंत और आदिल दुर्रानी का विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। कभी राखी और आदिल ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि उनके रिश्ते में सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो कभी एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हुए दिखाई देते हैं। राखी सावंत एक बार फिर से अपने पति आदिल दुर्रानी से मिले धोखे को लेकर बात करती हुई मीडिया के सामने आई हैं। वो इतना परेशान वीडियो में दिखाई दी हैं कि उनका कहना है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो कहां जाएं। राखी सावंत से जुड़ा वीडियो आदिल दुर्रानी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। वीडियो में राखी सावंत कहती हुई दिखाई दे रही हैं कि आदिल सोचना भी मत कि मैं तुम्हें तलाक दूंगी, किधर जाऊं मैं मीडिया के पास नहीं जाती हूं दोस्तों। राखी की बात का सपोर्ट करते हुए एक पैपराजी कहता है कि मीडिया आती है आपके पास, तो राखी सावंत कहती है कि ये बात कभी डालो ना आप सोशल मीडिया पर। आप भी देखिए राखी सावंत से जुड़ा हुआ वीडियो यहाँ। तुम सोचना भी मत मैं तुम्हें कभी डाइवोर्स या तलाक दूंगी, कभी नहीं। ये किधर जाऊं मैं मीडिया में नहीं आती हूँ दोस्तों, मीडिया आती है आपके पास। राखी सावंत के इस वीडियो पर लोग खुद को कमेंट्स करने से नहीं रोक पाए। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, ड्रामा हद है यार। वहीं दूसरे यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, आदिल भी पागल हो गया है इसके साथ रहते हुए। तीसरे यूजर ने वीडियो पर कमेंट कर लिखा, अगले एपिसोड में क्या होगा जानने के लिए जुड़े रहिए राखी सावंत के साथ, जल्दी मिलते हैं। इतनी टेंशन में भी राखी मेकअप करना नहीं भूली हैं। वहीं हाल ही में पैपराजी के सामने बात रखते हुए आदिल ने कहा था कि वो हमेशा राखी के साथ हैं। वो कहां गए थे? वो यहीं पर हैं। आदिल ने मीडिया कर्मियों के साथ लिखा, शाहरुख भाई भी आए थे तो कुछ लेकर नहीं आए थे और मैं कुछ नहीं लेकर आया हूँ, मैं क्या ही कहूँ, जो राखी बोलती है सब सच है। राखी सावंत ने ये तक कहा था कि यदि आदिल ने कुछ गलत नहीं किया है तो वो मीडिया के सामने क्यों नहीं आ रहा है। इस पर आदिल ने कहा था, मीडिया के सामने आकर मैं करूँ क्या, मैं राखी को गलत बोलूँ या खुद को गलत साबित करूँ, मुझे ये सब करना ही नहीं है।